टू कह रहा है कि ऑन द सेट इंटीजर, ये इंटीजर को डिनोट कर रहा है, सेट इंटीजर देख रहे ना, जेड ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू। ये कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों के सम में हमें टू ऐड कर देना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। राइट द इनवर्स ऑफ फोर, हमें फोर का इनवर्स चाहिए, तो पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि लेट ई बिलोंग्स टू जेड बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेना होगा। चलिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, तो हम लोग ई के साथ ए एक एलिमेंट लेके ऑपरेट करें या ए के साथ ई का ऑपरेशन करें, तो हमें फिर ए ही मिलना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए ना होगा। चलिए, तो अब हम लिख लेते हैं ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए। ई और ए का ऑपरेशन यहाँ के ऑपरेशन के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोनों को ऐड करके इसमें टू जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो ये ए और ए कट जाएगा, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस टू। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया माइनस टू, तो हमें क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट एक्स बी द इनवर्स ऑफ फोर। हम लोग मान लेते हैं कि x क्या है, फोर का इनवर्स है। तो अगर x फोर का इनवर्स हो रहा है, तो x के साथ ऑपरेट करें फोर को, या फोर को ऑपरेट करें x के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, x ऑपरेशन फोर इक्वल टू में माइनस का टू। तो x और फोर का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, तो दोनों को ऐड करके उसमें टू जोड़ लेना है, टू ऐड कर लेना, तो x प्लस फोर प्लस टू हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ पे एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू में माइनस टू, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एट। तो माइनस एट ही आपका इनवर्स हो जाएगा फोर का। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फोर का इनवर्स क्या है, माइनस का एट है। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन।